हमारा सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण को हम जाने समझे उससे पहले हमें पता होना चाहिए शिक्षण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। ठीक है, टीचिंग क्या होता है? जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे एक व्यक्ति समाज के विकास में योगदान दे सके। यानी कि टीचिंग क्या हुई? वो प्रोसेस है टीचिंग, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा है, उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में परिवर्तन लाना। परिवर्तन भी कैसा? वांछित परिवर्तन, यानी कि जैसा हमें चाहिए। अब कोई बच्चा है, अगर कोई बुरी हैबिट्स वो सीख रहा है, परिवर्तन तो वो भी है उसके बिहेवियर में, लेकिन उसको शिक्षण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है वो वांछित नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायरेबल चेंज नहीं है। तो हमें कैसा चेंज चाहिए? डिजायरेबल, जो सोसाइटी के नियमों के खिलाफ ना हो। ठीक है, सोसाइटी के नियमों जो चाहते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज के अनुसार जो बदलाव एक बच्चे में होने चाहिए, उन बच्चों में उन बदलाव को करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण की, यानी कि माइक्रो टीचिंग की। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो नॉर्मल जो भी पूरा का पूरा शिक्षण है और टीचिंग प्रोसेस है, आपको पता है जो टीचिंग प्रोसेस है ये ज़िंदगी में कम से कम 13-14 साल तो आराम से चलती, ज़्यादा ही चलती, 13-14 साल आराम से मिनिमम बच्चा, एक बच्चा शिक्षण को ग्रहण करता है, अगर हम कहें ऑफिशियल शिक्षा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? पूरे शिक्षण का एक छोटा रूप है, एक लघु रूप है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या हुई? पूरे टीचिंग का एक छोटा रूप हुआ। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल टीचिंग की बात करें तो एक पीरियड कितने का होता है? 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है। और इसमें क्या होता है? छोटे पैमाने पर शिक्षण का अनुभव मिलता है। ठीक है, एक छोटे स्केल पर टीचिंग एक्सपीरियंस देने के लिए अध्यापकों को ये 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है बच्चों को। और जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी सिर्फ 5 से 10 ही होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। नॉर्मली क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में आपके 5 से 10 स्टूडेंट्स ही होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10 मिनट ही आपको सिर्फ पढ़ाना होता है। और एक बात और, सूक्ष्म शिक्षण में आप सिर्फ एक समय में सिर्फ एक स्किल को ही कराते हैं, एक कौशल को ही कराते हैं। कौशल क्या है, कौन कौन से, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के मान्यताएं क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो ये प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये उनके लिए कराया जाता है जो कि टीचर बन रहे होते हैं, टीचर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टीचर ट्रेनिंग के दौरान ये सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। नॉर्मली ये सूक्ष्म शिक्षण नहीं कराया जाता, बल्कि टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान, शिक्षण प्रशिक्षण के समय में आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको पढ़ाना करना अच्छी तरह से नहीं आता, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाने में हेजिटेशन होती है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस करने के लिए माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिर्फ 5 से 10 बच्चे आपके सामने होते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और 5 से 10 मिनट ही आपको पढ़ाना होता है, और एक समय में एक स्किल पूरी आपकी मजबूत होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल शिक्षा की जो कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनको कम करती है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका जो प्रारंभ स्टार्टिंग है वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी 1961 में। किथ किसेन ने पोर्टेबल वीडियो और टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके शिक्षण प्रशिक्षण का स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिक्षण का आरंभ कब हुआ था। आगे चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोगशाला, यानी कि जो लेबोरेटरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक माइक्रो टीचिंग की लेबोरेटरी में सबसे पहले वीडियो कॉन कैमरा होना चाहिए, ताकि जो भी टीचिंग चल रही है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। वीडियो टेप रिकॉर्डर, मॉनिटर, रिकॉर्डिंग टेप, अन्य सामग्री जैसे कि घड़ी हो गई, जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब होने चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो भी 5 से 10 मिनट की जो भी टीचिंग होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि बच्चा खुद अपनी गलतियों को देख सके, उनको सुधार कर सके। अब नेक्स्ट आता है आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल। जो पूरी की पूरी साइकिल होती है वो 6 पद होते हैं, उसमें 6 स्टेप होते हैं, और कुल समय 36 मिनट होता है, यानी कि 36
मिनट, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अभी तो बात हुई थी कि माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है, और यहाँ बात आ गई 36 मिनट की, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसमें हम इसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है योजना, यानी कि प्लानिंग। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी स्किल हम पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग होती है कि हम कैसे क्लास में एंटर करेंगे, कैसे उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सब प्लानिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होगी प्लानिंग। मान लीजिए अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल कर रहे हैं, प्रस्तावना कौशल कर रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल के में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप पहले ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे, किस तरह से पूछे, तो वो सब प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है शिक्षण, यानी कि टीचिंग। जो भी आपने प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे। अब जब आप पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद थर्ड स्टेप पर आपको क्या मिलेगा, प्रतिपुष्टि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। आपको फीडबैक दिया जाएगा, एक टीचर होंगे जो कि आपको पूरे का पूरा मॉनिटर कर रहे होंगे, आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपकी जो भी कमियाँ होंगी या अच्छाई होगी, जो आपने अच्छा काम किया होगा, जो गलत काम किया होगा, वो सबको आप फीडबैक आपका दे देंगे, ठीक है, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। इसके बाद पुनः योजना। अब जो आपको फीडबैक मिला, उसमें कुछ ना कुछ गलत भी बताया गया होगा, कुछ आपकी कमियां भी रही होंगी, उन कमियों को आप सुधार कर दोबारा से योजना बनाएंगे, दोबारा से प्लानिंग करेंगे कि जो कमियां पहले हुई वो दोबारा ना हो। अब जब दोबारा योजना बनाएंगे तो दोबारा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है, इसमें ये जब तक चलता रहता है साइकिल, जब तक कि आप किसी स्किल में पूरे के पूरे अच्छे से पूर्ण ना हो जाए, उसमें निपुण ना हो जाए, एक्सपर्ट ना बन जाए एक स्किल में, ठीक है। अब बात आती है टाइमिंग की, कि टाइमिंग कैसे कैसे होता है, 36 मिनट कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले होता है योजना। योजना जो होती है वो आप घर पे बनाते हैं, आप अपने होम पर घर पे बना रहे हैं। योजना बनाने में आपको कितना भी अनलिमिटेड टाइम लग सकता है, कितनी भी जल्दी बना सकते हैं, कितना भी देर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई टीचिंग एड बनानी है, कोई चार्ट पेपर बनाना है, तो क्या उसका टाइम पीरियड लिमिट हो सकता है, नहीं लिमिट हो सकता, उसका लिमिटेड टाइम में आप नहीं बना सकते। कोई आपको इमेज दिखानी है, आपको इमेज कलेक्ट करनी है, आपको चार्ट पेपर पर कोई डायग्राम बनाना है, तो आप लिमिटेड टाइम पीरियड पर नहीं बना सकते। तो ये योजना का जो होता है, इसमें टाइम काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, योजना, क्योंकि आप घर पर कर रहे हैं, इसमें जो भी टाइम होगा ये 36 मिनट, ये जो आप स्कूल में जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर जो भी काम करेंगे वो 36 मिनट में होना चाहिए। बाकी जो प्लानिंग होती है मेन, वो आपके घर पर होती है, जिसका टाइम काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद जो शिक्षण होता है वो होता है आपका 6 मिनट का। एवरेज हम 6 मिनट लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एवरेज हम 6 मिनट लेकर चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो 6 मिनट का आपका शिक्षण हो गया। इसके बाद जो आपका फीडबैक मिलेगा वो 6 मिनट का हो गया, ठीक है। जब आपने पढ़ाया, 6 मिनट तक आपने पढ़ाया किसी स्किल को, उसके बाद जब टीचर आपको फीडबैक देंगे तो उसमें 6 मिनट्स लग गई। उसके बाद पुनः योजना, दोबारा से आप प्लानिंग करेंगे। अब एक बार देखिए, आपने प्लानिंग, मेन प्लानिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें अगर कुछ कमी है उसको ठीक कर लेंगे। उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 12 मिनट का, ठीक है। कितना मिनट का, 12 मिनट का। वहीं पर आपको क्लास में, वहीं पर आपको रीप्लानिंग करनी होती है, जो कमियाँ रह गई है उसको दोबारा सुधारना होता है। उसके बाद दोबारा शिक्षण करते हैं, तो दोबारा से 6 मिनट पढ़ाते हैं, और दोबारा से 6 मिनट का आपको फीडबैक मिलता है। यहाँ पर जो फीडबैक मिलता है ना, इसकी ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल सही मिले, पॉजिटिव फीडबैक मिले, यहाँ पर कोई कमी ना रहे, क्योंकि आप दोबारा अपनी कमियों को सुधार चुके होते हैं उस टाइम पर। कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव फीडबैक ना मिले, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। शिक्षण और प्रतिपुष्टि, यानी कि टीचिंग और फीडबैक, आपका 6 मिनट्स का रहता है। बीच में जो रीप्लानिंग होती है वो आपकी 12 मिनट्स की होती है, और जो आपका स्टार्टिंग का प्लानिंग होती है उसका टाइम काउंट नहीं किया जाता है। इस तरह से आपके 36 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। और रही बात जो हमने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण से में 6 से 7 मिनट पढ़ाना होता है, 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है, तो वो आपका सिर्फ ये शिक्षण हो गया, जो आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल में, तो वो तो आपके 6 मिनट है, और उसमें भी यही कही थी कि 5 से 10 मिनट ही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लिया जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट होता है, एवरेज हमारे 6 मिनट का ही लेकर हम उसमें चलते हैं, उसमें ये टाइम काउंट नहीं किया जाता। ये तो पूरा का पूरा एक साइकिल हो गया माइक्रो टीचिंग की, वो टाइम टोटल हमने इसमें लिया गया है। यहाँ पर तो
तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, टाइमिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर आपके योजना जो अलग अलग स्टेप्स है उसमें क्या क्या करना होता है वो बताया गया है, वो मैं आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस स्टेप में क्या कराया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके नोट्स अभी एक दो दिन में आपको स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिए जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो सभी नोट्स आपके स्पर्श क्लासेस एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिए जाएंगे, आप स्पर्श क्लासेस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, यानी कि मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण हम क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित होता है, यानी कि जो पूरा का पूरा माइक्रो टीचिंग है ये किस पर सेंटर है, किस पर केंद्रित है, टीचर के बिहेवियर पर, कि टीचर का बिहेवियर कैसा है टीचिंग के समय पर, ठीक है। इसके बाद है यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि आपके सामने सिर्फ 5 से 10 बच्चे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप खुद सोचिए अगर स्टार्टिंग में आपने कहीं नहीं पढ़ाया और एकदम आपको क्लास में ले जाकर खड़ा कर दे जहाँ पर 50 बच्चे 100 बच्चे हों, तो ऑब्वियस सी बात है आप एकदम घबरा जाएंगे 50 बच्चे की 60 बच्चों की क्लास को देखकर। तो इसीलिए माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 बच्चे रखते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हर स्किल में आप पूरे के पूरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको लास्ट में हम बड़ी क्लास में जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें कराया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतः बहुत अभ्यास करते हैं, यानी कि हर कौशल को अलग अलग टाइम देते हैं। अगर आपका एक स्टार्टिंग में आपको ये बात है कि आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनिंग की जो कौशल है स्किल है उसको आप बिल्कुल अलग टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक आप एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप नेक्स्ट स्किल पर नहीं बढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उसकी एक अलग स्किल होगी। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कैसे करें उसकी स्किल के लिए आप बिल्कुल अलग से टाइम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हर स्किल को आप अलग टाइम दे रहे हैं, हर स्किल को आप बेहतर पूरी की पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक आप उस स्किल में एक्सपर्ट ना बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण भी कर सकते हैं। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि वीडियो टेप रिकॉर्डर से पूरा का पूरा जो आपका टीचिंग होती है उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो आप खुद भी अपनी कमियों को निकाल सकते हैं कि आप में अपने आप में क्या कमी लग रही है, खुद आत्म परीक्षण भी कर सकते हैं। और लास्ट में शिक्षण में हमें तुरंत फीडबैक मिलता है, हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के बाद तुरंत हमें फीडबैक मिल गया कि हमने क्या गलती किया और क्या सही किया है, नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं करेंगे। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का निर्माण करना अत्यधिक कठिन है, ये जो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो क्लासरूम है उसको क्रिएट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें आपके जो क्लासरूम होता है उसमें वीडियो टेप रिकॉर्डर और बाकी के सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका सारा रिकॉर्डिंग हो सके, पूरा का पूरा अच्छे से हो सके बेहतर, तो उसका जो निर्माण करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर गाँव के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें पूरी तरह से सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते। आप देखते हैं नॉर्मली जो लेबोरेटरीज होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो भी हर क्लास में हर स्कूल में अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में प्रत्येक छात्र अध्यापक को व्यक्तिगत सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है, शिक्षक के अभाव में सूक्ष्म शिक्षण में बाधा आती है। इसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा पढ़ा रहा है तो उसके लिए एक टीचर पीछे बैठे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हर बच्चे को अपना एक अलग एक टीचर चाहिए, तो शिक्षक जो है उसका अभाव रहता है, कमी रहती है, तो बाधा उत्पन्न होती है। एक टाइम में एक ही बच्चा पढ़ा सकता है, अगर हम अलग अलग 5 मान लीजिए आपके कॉलेज में बीएड के कॉलेज में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब 50 बच्चे एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते, अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ग्रुप भी बना दिया जाए 10 बच्चों का तो आपकी 5 क्लास हो गई, 5 क्लास में 5 टीचर चाहिए, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि टीचर की कमी होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं अध्यापक में रुचि में भी कमी हो जाती है।
मतलब आपने देखो होगा, जो ऐसे अभी माइक्रो टीचिंग में बताया कि सिर्फ 5 से 10 बच्चे होते हैं, ये उनके लिए तो सही है जिन पर कॉन्फिडेंस लेवल को पढ़ाना हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 5 से 10 बच्चे आपके सामने होते हैं, उनको पढ़ाना कराना तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है शिक्षक के, उनको मजा नहीं आता, क्योंकि हर शिक्षक का व्यवहार अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जो बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी है, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ना ही तो शिक्षक में आएंगे पूरी तरह से और ना ही पूरी तरह से छात्र होंगे। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक की ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षण का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप छात्र अध्यापक कहलाते हैं, छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं, ठीक है। तो आप छात्र अध्यापक कहलाते हैं वहां पर, ना ही तो पूरी तरह से छात्र होते हैं ना ही पूरी तरह से अध्यापक होते हैं। ये बात कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि छात्र अध्यापक कौन होते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं? वो हम खुद होते हैं जो कि वहां पर बीएड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण हमें वास्तविक शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान देने में असफल रहता है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है उससे हम प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वो नहीं ले सकते। कुल 5 से 10 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने स्किल वगैरह पढ़ा लिया, अच्छे से पढ़ा लिया, लेकिन जब हम रियल उसमें जाएंगे, रियल वर्ल्ड में जाएंगे, रियल क्लासेस में जाएंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। तो रियल एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं मिल पाता है, ठीक है। और एक खास तौर पर माइक्रो टीचिंग में सिमिलिटी टीचिंग को जोड़ दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग, आधी से ज़्यादा माइक्रो टीचिंग आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज के जो आपके क्लासमेट्स हैं वही होते हैं आपके, आपको पहले उन सबको पहले से आंसर पता होते हैं, आप तुरंत दे देते हैं, वो जिस तरह से आपने प्लानिंग की होती है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है। लेकिन जब आप रियल क्लास में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह से आपने क्वेश्चन बनाए हुए हों, आपने उनके जो आंसर बनाए हुए उसी तरह से आपको रेस्पॉन्स मिले,